तारीख बताती है कि हिंदुस्तान सदियों से किसी न किसी हमले का सामना करता आया है। कई हमलावर ऐसे थे जिन्होंने इस देश को अपनी ताकत से जीता, लेकिन यहां के प्यार और सभ्यता ने उन्हें जीत लिया और वो यहीं के होकर रह गए। कुछ ऐसे भी हमलावर थे जिनका मकसद सिर्फ लूटमार और यहां की बेशुमार दौलत को हासिल करना था। नादिर शाह दुर्रानी उन्हीं हमलावरों में से एक था। उस वक्त एक कमजोर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा था। 1738 की पानीपत की लड़ाई में मोहम्मद शाह को हराने के बाद नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ और कत्लेआम का हुक्म दिया। 30,000 आदमी, औरतें और मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। सारी दिल्ली लूट ली गई और करोड़ों रुपए की दौलत को नादिर शाह ने कई हिस्सों में बांटकर अपनी फौज की अलग अलग टुकड़ियों के हवाले किया और ये टुकड़ियां मुख्तलिफ रास्तों से वापस अपने वतन ईरान की तरफ जा रही थी। इनमें से एक टुकड़ी रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर कई दिन तक घूमती रही, मगर रास्ता ना मिला। बहुत दिन भूखे प्यासे रेगिस्तान में भटकने के बाद फौज ने उस खजाने को एक पहाड़ की गार में रख दिया और एक पत्थर की तख्ती पर उस जगह का नक्शा बनाकर कुछ लोगों को भेजा ताकि वो कोई मदद ला सके। सिपाही एक तूफान में फंसकर भूखे प्यासे मर गए। वो तख्ती जिस पर उस खजाने का नक्शा था रेगिस्तान में खो गई और सैकड़ों बरस रेत के सीने पर पड़ी किसी इंसान के कदमों का इंतजार करती रही। आखिर वक्त की गहराइयों से दो हाथ बढ़े और उन्होंने उस तख्ती को उठा लिया जिस पर किसी पुरानी जुबान में एक राज खुदा हुआ था। राज जिसमें छुपा हुआ था एक बेशुमार कीमती खजाना। इसे ले जाने की इतनी जल्दी क्या है? काम तो हो जाने देते भाई। सेठ जी की वजह से काम हो गया, ये रुपया लगाने के लिए तैयार है। अजी हमने तो यूं धंधा नत्थे का लग गया था तो हम भी कूद पड़े। करोड़ा का मामला है, करोड़ा का। अच्छा भाई शांतिदास, अब शायद मुलाकात ना हो। अच्छा मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बाय बाय। अजी मैं यूं कहूँ था यहाँ से जाने का कोई पीछे से रास्ता नहीं है,
पिछले रास्ते से जाने की क्या जरूरत है, आप सीधे रास्ते से जाइए ना। अजी कोरोना की जोखम है, रात का वक्त हो रहा है, पीछे से निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, आइए मेरे साथ, मैं पिछला रास्ता दिखाता हूँ। आओ आओ चलिए। कैसे हो जंग बहादुर? मैं ठीक हूँ सर, आज आपको देर हो गई। आज बहुत काम था। अच्छा अच्छा, अब मेरे सोने और तुम्हारे जागने का समय हो गया है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, सलाम सर। क्या बात? मेरे भाई का कुछ हो गया है, मेरी मदद कीजिए। कहाँ है तुम्हारा भाई? अच्छा चलो। शांतिदास, हमें उस बैग की जरूरत है जो प्रोफेसर दयाल तुम्हारी दुकान पर छोड़ गया था। क्योंकि तुम वहां के वफादार नौकर हो, इसलिए तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। ये छोटा सा काम करने के लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। मैं हीरे बेचता हूं, ईमान नहीं। मर जाऊंगा लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगा। मरोगे तो तुम जरूर, लेकिन मेरा काम करने के बाद। ये जहरीला इंजेक्शन देख रहे हो, इसका असर कभी खत्म नहीं होता। आदमी हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद सब कुछ भूलकर मर जाता है। तुम कुछ भी करो, मैं ये नीच काम हर किसी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। उस्मान, शांतिदास मेरी बात गौर से सुनो। तुम यहां से सीधे ऑफिस जाओगे और प्रोफेसर दयाल जो बैग तुम्हारे पास छोड़ गया है उसे लेकर वापस यहां आओगे। रास्ते में किसी से बात भी नहीं करोगे, सीधे हमारे पास आओगे। साहब तू भूल गया क्या? वो तकती कहां? मैंने स्टेशन से उस दुकान तक प्रोफेसर माथुर का लगातार पीछा किया, और जब वो दुकान से बाहर आया तो उसके हाथ में बैग नहीं था। तो फिर रास्ते में दयाल से खा गया? तुमने करोड़ों रुपए के खजाने का राज
यूं गुम कर दिया। इडियट, क्या तुम पक्का यकीन है कि जिस आदमी को तुमने इशारा किया था वो दयाली था? जी पक्का यकीन। तुम्हें तख्ती कहाँ है? नहीं ऐसा तो नहीं। क्रांतिदास, क्रांतिदास होश में आओ, तुम पत्थर की तख्ती कहाँ है? क्रांतिदास अगर मेरी बातों का जवाब ना दिया तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। जवाब दो, कहाँ है वो तख्ती जो प्रोफेसर दयाल बैग में लेकर तुम्हारी दुकान पर आया था? ले गया। कौन ले गया? दयाल ले गया। कहाँ ले गया, कब ले गया? क्रांतिदास, मुझे इतना मालूम है जयसिंह की झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि अध्यक्ष किया था, और अब तो शायद ये सच नहीं बोल पाए इसलिए कि ब्रेन हैमरेज शुरू है। तो फिर इस कमबख्त का क्या किया? दैट्स द पॉइंट। सुनो, तुम इसको इसके घर पर फेंक आओ, वहां ये खुद बखुद मर जाएगा, और ये बॉक्स खाली करके वहीं छोड़ देना, ठीक है? राइट चंदर, कम डाल लो इधर। ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर तो पुलिस को यह धोखा रहे कि ये पी के उलट गया। कहते हैं चोरी और शराब का चोली दामन करता। आइए मेरा लड़। अरे ये तो खाली है। छातीदास लगता है ये बहुत पी गया। ये पीता भी है, कमाल है, मुझे तो मालूम नहीं था। छातीदास मेरे सेवर कहाँ है? मेरे सेवर कहाँ है? सेवर? हाँ सेवर, जो बैग में थे तो तुम चुरा कर लाए। मेरा सर। नाटक मत कर, जेवर दे दे, नहीं तो मैं तुमको जेल में भिजवा दूंगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो सर में दर्द हो रहा है, जेवर दे दे, नहीं तो सारे शरीर में दर्द होने लगेगा। इंस्पेक्टर साहब अपने तरीके से पूछेंगे। कमीने कुत्ते चोर। सेठ जी, छतदास बताओ जेवर कहाँ? इसे थाने ले चलिए, जूते लगाइए, सब उगल देगा। छतदास देखो, गोरखे ने तुम्हें दुकान में जाते और ये बैग लेकर निकलते हुए देखा। सर सर बताओ जेवर कहाँ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंस्पेक्टर साहब इसी गिरफ्तार क्यों? मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूँ। विल यू कीप क्वाइट? अभ्यास उठो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। उठो। शाबाश। हवालदार एम्बुलेंस के लिए फोन करो जल्दी। जैसे मैंने बताया वैसे कर दिया। गाड़ी जल्दी ठीक कर दो, शाम को डिलीवरी देनी है। साहब आप बता। पिताजी चोरी क्यों? साहब ये मेरा परमिट है, मैं पेशेंट से मिलना चाहता हूं। आइए। ज्यादा बात करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, बेचारे को कुछ याद। डॉक्टर साहब ने बता दिया। डैडी डैडी
यदि मैं हूं राज, आपका बेटा राज, फिर से क्या हो गया डैडी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं क्या हो गया मुझे। याद कीजिए डैडी, दुकान से आप वो बैग क्यों ले गए थे, कहां ले गए थे? राज, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता। फिर याद कीजिए डैडी, प्लीज कोशिश कीजिए डैडी, प्लीज। वो सांप की अंगूठी, हाँ वो सांप की अंगूठी। ओ डैडी प्लीज, कौन थी वो लड़की, किसके हाथ में थी वो अंगूठी? मुझे कुछ भी याद नहीं। कोशिश कीजिए डैडी, याद कीजिए। कुछ भी याद नहीं। प्लीज डैडी कोशिश कीजिए। मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो, जाओ। प्लीज डैडी देखिए, मैंने पहले कह दिया इनके लिए एक्साइटमेंट थी। मैंने उनकी जमानत की एप्लीकेशन दे दी है, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ बोल रहा हूं। क्या घबरा नहीं, शांतिदास होश में नहीं आएगा। आपके जमानत के पेपर ले आया हूं डैडी, अब आप घबराइए मत, मैं आपको जल्दी से घर ले जाऊंगा, वहां ले जाकर फर्स्ट क्लास इलाज कराऊंगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। है वो डैडी? डैडी डैडी दस्ताने से कोई मतलब नहीं है और ना ही इसकी अपनी कोई पहचान, हो सकता है किसी ने अस्पताल से चुरा लिया। आप कुछ भी कहें इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरे पिताजी का खून इस दस्ताने वाले आदमी ने ही किया है, और ये खून इसलिए हुआ है ताकि वो इसका और दूसरे लोगों का पता ना बता सके। दूसरे लोगों केस यह है मिस्टर राज, शांतिदास जी रात को उस दुकान पर गए और वहां से उन्होंने जेवरात चुरा लिए। नहीं, पिताजी चोरी नहीं कर सकते। तो चौकीदार झूठ क्यों बोले? मैं कब कहता हूं कि वो झूठ बोल रहा था? उसका डिस्क्रिप्शन स्लीप वॉकर का डिस्क्रिप्शन है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं पिताजी को नींद में चलने की आदत नहीं। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, यह जरूर कोई साजिश है। कोई साजिश नहीं, और ना ही आपके पिताजी का खून। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत ब्रेन हेमरेज हुई। और वो सांप वाली अंगूठी और लाइटें, उनका कोई मतलब नहीं? मिस्टर राज, आपके पिताजी बहुत बीमार थे और बीमारी की हालत में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं, क्या कर रहे हैं। शराब की जाति की वजह से उनका दिमाग
वैसे भी इधर उधर हो गया था। इंस्पेक्टर साहब, पिताजी शराब पीते ही नहीं, लेकिन जब मैंने गिरफ्तार किया वो शराब नशे में चूर। यही तो मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, जो आदमी पीता ना और उसके कपड़ों से शराब की बू आए और कमरे से शराब की बोतल भी मिले, साजिश नहीं हो सकती। कई बाप ऐसे होते हैं जो अपनी शराब की आदत को अपने बच्चों से छुपा कर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन मैं अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करके ही रहूंगा। आप चोरी की जेवर तलाश कीजिए, मैं इस खूनी को तलाश करूंगा। गुड लक बॉय। अंगूठी से तुम्हारा क्या वास्ता है? अंगूठी? ये मेरी अंगूठी है। मगर तुम कौन हो जो ये सब मुझसे पूछने वाले? मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसे अस्पताल में बेरहमी से मार दिया गया। मगर इस अंगूठी का तुम्हारे बाप के कत्ल से क्या संबंध? ये अंगूठी मेरे बाप के कत्ल तक पहुँचने का रास्ता है, और मुझे वो रास्ता तुम दिखाओ। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। किसने मेरे डैडी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया? बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है? बोल, किसने मेरे डैडी का खून किया? मुझे नहीं मालूम। बोल, वो आदमी कौन है जिसके बाएं हाथ की उंगली नहीं है? मुझे कुछ नहीं मालूम। Thank you.
ओके मैडम। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 211 में कौन ठहरा हुआ? मिस अनिता माथुर, उन्हीं का फोन, उन्होंने कमरा छोड़ दिया। कमरा छोड़, लेकिन कुछ सामान? कोई आकर ले जाएगा। जल्दी से वो गाड़ी का पीछा करो। जल्दी करो ड्राइवर, पीछा करो। अरे यार, ये लो बाकी रखो। ओए बिरादर, अंदर किधर को जाता है? अभी अभी जो मेन साहब आएंगे उनके पास। ये अंदर कोई मेन साहब वेन साहब नहीं रहता। हम बोला ना तुम जाओ इधर से। ओए, हम बोला ना इधर कोई नहीं रहता, तुम जाता है कि नहीं? चलो चलो। प्रोफेसर दयाल का कुछ पता चला? बस इतना मालूम हुआ है कि वो दिल्ली जाने वाले हैं। क्या बात है खान? कुछ साहब, ये आप लोगों की बातें सुन रहा। कौन है? कोई भी हो, हमारी बातें सुनने के बाद इस आदमी का चिंता रहना वाली खतरनाक है। इस हराम साधे के हाथ पांव बांधकर इसे समुद्र में फेंक दो। बहुत अच्छा साहब। चलो वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? अल्लाह का फजल है ना, तो आगे जाओ, खोचे इधर ठहरने का हुक्म नहीं है। ओ, तुम कैसा बात करते है ब्रदर? हम वतन वाला होके भी हमसे ऐसा बात करते हैं? ए भाई, हमारा मगज मत खाओ। बोल दिया ना, इधर बैठने का हुक्म नहीं है, तुम जाओ। इधर कौन खंजीर का बच्चा रहता है जो ऐसा हुक्म देता है? खोचे इधर कोई नहीं रहता, तुम जाओ बाबा जाओ। लाला, ब्रदर होके भी ब्रदर पे झूठ बोलता है। अल्लाह रसूल की कसम, हम कल अंदर की तरफ कुछ आदमी देखा। किधर देखा? किसको देखा? हम बोला इधर कोई नहीं रहता, तुम जाओ। ओ लाला, नाराज क्यों होते हैं? ठीक है, तुम सच बोलते हैं, हमारा आंखें झूठ बोलते हैं। अच्छा, हम जाते हैं। खुदा हाफिज़।
बोल ब्रदर, कौन रहता है इस घर में? कोई नहीं रहता। कहाँ गए? दिल्ली में कहाँ गए? मालूम नहीं। बोल। ट्रेन से गए या जहाज से? ट्रेन से। आज शाम की गाड़ी से जाएंगे। आज? तुम भी मुसाफिर हो जाए दो चार बातें, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हो जाए दो चार बातें। किस्मत से होती है हसीना इतनी हसीन मुलाकातें, वही 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 हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हो जाए दो चार बातें। एक दिन का ही ये सफर है, फिर कब मिले हम किसको खबर है। बस एक दिन का ही ये सफर है, फिर कब मिले हम किसको खबर है। रुक जाए गाड़ी रास्ते में गुजरे, हाँ रुक जाए गाड़ी रास्ते में गुजरे, एक साथ दो चार रातें। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हो जाए दो चार बातें। नहीं क्या तुम ये इशारा है साफ जाहिर मकसद हमारा, समझे नहीं क्या तुम ये इशारा है साफ जाहिर मकसद हमारा। सीने में जलते हैं गम के शोले, हाँ सीने में जलते हैं गम के शोले, आँखों में है बरसातें। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हो जाए दो चार बातें। हम भी मुसाफिर तुम
जानी के माफ कीजिए जनाब। अरे जानी के मीट अगेन, हम फिर मिले। पूछा ये दुनिया छोटा है, समझा? बात ये है जानी के, लेकिन आप अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते? जानी के यू मस्ट मसूल योर टिकट का दाम। शुक्रिया। शुक्रिया जानी के, थैंक। सफर कर रहे हैं उनके लिए एयरसेल ऑफिस में टेलीफोन है। मेरा नाम जयसिंह है, मैंने आपको फोन आया था। जी ये आपका ही है। हेलो, जयसिंह बोल रहा हूँ। क्या कहा? गाड़ी में पठान? हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच। बम्बई से हमारे चौकीदार का फोन आया था, उसने कहा है कि एक पठान लड़की ने उसे मारकर हमारे बारे में सब कुछ पूछ लिया और इस वक्त वो इसी ट्रेन में हमारा पीछा कर रहा है। घबराओ नहीं जयसिंह, ट्रेन चल रही है और रास्ता लंबा है। मेरा ख्याल है कि मैंने इस किस्म का आदमी यहीं कहीं देखा है। अगर तुमने देखा है तो फिर वो बच नहीं सकता। ठीक है, तुम उसे उस तरफ देखो और मैं इधर देखता। कुछ पता चला? बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी बाबू, आई एम सॉरी। आप पान खाएंगे? नो थैंक यू। आप तो नहीं खाएंगे, आप पहले से लाल हैं। चलो चलो, सारी ट्रेन घूम मारी, ना जाने का वक्त कहां चला गया। पता नहीं कहां चला गया। Coming here and there, यानी के यहां से वहां, दाल में काला, something black in दाल। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से मुझे मेरे कैबिन में ले चले। वो आपको ट्रेन के बाहर क्यों फेंक रहा था? मुझे पता नहीं। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दयाल, प्रोफेसर रामदयाल सिंह। प्रोफेसर रामदयाल, कहीं आप मेरे डैडी शांतिदास जी के दोस्त तो नहीं? अरे तुम राज हो जी। बेटा, तुम्हारे पिताजी की मौत का मुझे बेहद अफसोस है।
मरने से दो दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। बिल्कुल ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, ये एकदम क्या हो गया? उन्हें कुछ नहीं हुआ था, उनका खून कर दिया गया था। जी हाँ, मैं उन्हीं के खूनी को ढूंढ रहा हूँ, शायद वो भी इसी ट्रेन में। इसी ट्रेन में? तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इसी कीमती चीज के लिए तुम्हारे पिताजी का खून किया गया? ये क्या है? ये खजाने के नक्शे का आधा हिस्सा। आधा? हाँ, एक बहुत कीमती खजाना जो बरसों से रेगिस्तान में दबा पड़ा। एक दफा मैं और मेरे दोस्त प्रोफेसर माथुर एक एक्सपीडिशन लेकर वहां से, वहीं हमें ये टेबलेट मिली जो टूट कर दो टुकड़े, इसके साथ कुछ जेवरात भी। जब हम इन्हें लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में तूफान में फंस प्रोफेसर माथुर लापता हो गए, शायद मर। मैंने दोबारा इस खजाने की तलाश में वहां जाने की कोशिश की, मगर इस एक्सपीडिशन के लिए रुपए की जरूरत जो तो मेरे पास नहीं, और किसी ने मेरी बात का यकीन भी नहीं। आखिर बंबई के एक मशहूर फाइनेंसर से करोड़ी मल इसके लिए रजामंद हुआ। मेरी भतीजी है, इस टैबलेट का दूसरा हिस्सा इसी के पास। बेटा, इस काम में तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? नहीं अंकल, आप खजाने को ढूंढिए, मैं डैडी की कहानी को ढूंढता हूं। क्या मैं पाया? प्रोफेसर जी, आप इन्हें मिलने आ रहे हो था। भाई साहब, मेरे स्वर्गवासी दोस्त शांतिदास जी का बेटा। हेलो, आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या? दिल्ली में। अच्छा, बैठो भैया बैठो। नहीं मैं चलता हूँ, सुबह मिलो। क्या साथी पी? सुनिए, अगला स्टेशन कितने मिल जाएगा? सुबह 8 बजे। मगर अनीता का क्या होगा? अरे अनीता होगी, वहां पर फोन कर ले। चलो वो 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 खूनी जा रहा है वो। अरे पकड़ो, खूनी भाग गया, क्या ही जा रहा है? अरे मुझे नहीं हो तो
Hello, operator. Could you please put me on to 295593, please? Yeah. Hello? मैं अनिता बोल रही हूँ उत्पल मोहर से. रूम नंबर 809. Yeah. Any further instructions? जी? शाम को? अच्छा मैं आ जाऊँ. तुम यहाँ कैसे आए? दिल्ली के होटलों में फोन करके किसी का पता लगाना मुश्किल है. आगे बढ़े तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी. कर दो. मैंने कौन सा जुर्म किया? जुर्म? तुमने प्रोफेसर दयाल का खून किया है और पुलिस वारंट लिए तुम्हें छोड़ रही है. हाँ हाँ, तुम्हारा वारंट. तुम खूनी हो. मैं पुलिस को भी फोन करती हूँ. छोड़ दो मुझे. खामोश. प्रोफेसर का खून तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा खून जरूर कर दूंगा. अभी छोड़ दो मुझे. छोड़ दो मुझे. मैं कहती हूँ तुमने ये नाटक मेरे साथ क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो ये सब क्यों किया? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती. मैं यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर. ऑपरेटर ने टेलीफोन पर आपके चीखने की आवाज सुनी. एनीथिंग रॉन्ग मैडम? मेरी चीखने की आवाज? अरे हाँ, वो रेडियो पर कोई ड्रामा आ रहा था, उसकी आवाज सुनी कुछ. एनीवे, थैंक्स अ लॉट. यू आर वेलकम मैडम. उस आदमी के सामने मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता था. तुम चाहती तो मुझे गिरफ्तार कर. गिरफ्तार करवाने को जी नहीं चाह. क्यों? शायद मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहती हूँ. पर अगर यह गिरफ्तार ही करवाना होता तो उस रात बॉम्बे में मैं तुम्हें डूबने से नहीं बचाती. क्या? उस दिन बॉम्बे में डूबने से तुमने मुझे बचाया? तो फिर मुझे मारने की कोशिश किसने की? मैं कुछ नहीं कह सकती. मेरा कुछ भी कहना किसी की मौत का कारण बन सकता है. किसकी मौत? मेरे पिताजी की, प्रोफेसर माथुर. लेकिन वो तो मर चुके हैं. नहीं, वो जिंदा है और किसी की कहते हैं. किसकी कहते हैं? जैसे जैसे कहीं ये सब उस खजाने के लिए तो नहीं? हाँ, उसी के लिए है. लेकिन जैसे ही, और तुम्हारे पिताजी का क्या वास्ता? मेरे पिताजी के सिवा उस तख्ती की लिखावट कोई नहीं पढ़ सकता. इसीलिए जयसिंह ने तुम्हारे पिताजी को कैद कर रखा और तुम उसके इशारों पर काम करो. अगर मैं काम न करूं तो वो मेरे पिताजी पर जुल्म करते हैं. घबरा नहीं, आज तक तुम अकेली थी, अब मैं तुम्हारे साथ. जयसिंह ने सब पाने इस वक्त मालूम नहीं, लेकिन आज शाम को वो उस्मान के घर में मिलेगा. उस्मान एक बात कर रहा है. क्या मैं किसी भी तरह उसके घर जा सकता हूँ? हाँ, आज शाम को उसके एक वेलकम माय डियर, वेलकम. बहुत देर लगा दी आपने जी. हाय. क्या हो गया? कहीं पापा बनी होगी? हाय उसमी. ओ उसमी. अरे कुचिक 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 कुचिक. अनीता उस्मान, इसने चाय पी रखी. ले जाओ इसे, पार्टी का मजा खराब करते. ओके, कम ऑन. हम नहीं जाएगा. लेकिन वो कहाँ है लंबू लंबू जी? काका काका, व्हाट इज इट? वेरी फनी नेम. अनीता, पागल हो गई हो? आओ मेरे साथ. हाँ हाँ, मैं तो आज खुशी से पागल ही हो गई हूँ. लेकिन गुरु जी भी. कौन गुरु जी? कोई नहीं, गुरु जी. गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी.
अनिता पढ़ाई है गुरु जी। इस जानवर को जलाने क्या जरूरत? अरे जहाँ चेली वहाँ गुरु जी। आ, 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 आ। चेली नहीं शिष्य। शिष्य अरे वेद दारू लाना। अनिता बस अब और नहीं, आज तो मुझे खुशी मनाने दो ना। अरे इसको तो टैबलेट भी मिल गया। मेरे को शटअप बोला, मुझे टैबलेट देखने अभी अभी। अनिता टैबलेट उस्मान इसे ऊपर ले जाओ, जाकर टेबल दिखाओ। राखा तुम नहीं करो। ये हमारी शिष्य कौन सी टैबलेट की बात कर रही है? सोने की गोल्डन टैबलेट। स्लीपिंग टैबलेट की फूल क्या होती है? सारी पार्टी कर चल। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? तो जरा संभाल के रखो। टैबलेट देखनी है कि नहीं? देखो माल जिद हो जाती है कभी कभी इस लड़की को। सी फिर रहते हैं। अरे क्या सब कर रही हो अनीता? करोड़ों रुपए की चीज है, समझती नहीं? सॉरी सॉरी उस्मान, हम चल देख लिया ना, तसल्ली हो गई। आओ चलो रे, चलो इधर नहीं आए, नीचे चलो। मुझे चढ़ गई है, तुम्हें चढ़ गई, चलो नीचे चलो। नीचे? हाँ हाँ नीचे चलो। अरे हाँ आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं नाचूंगी गाऊंगी। दीवाना बना गया, दीवाना सयानों को दीवाना बना गया। खो गया दिल से यूं नशा छा गया, ये इशारा समझ लो बस मजा। दीवाना बना गया, दीवाना सयानों को दीवाना बना गया। पड़ी है कान, दिल तुमसे कुर्बान है, रहने दे अनजान है। ऐसे दिल ना तो मेरा दामन छोड़, ऐसे दिल ना तो ओ मेरा दामन छोड़। फिर न कहना नींद नहीं आती मुझको, जालिम चैन उड़ा गया। नींद नहीं आती मुझको, जालिम चैन उड़ा गया। मैं
निशानी है कोई, चीज पुरानी है कोई, क्या कोई तस्वीर है, हाँ, कुछ तहरीर है। लाता हूँ मैं ढूंढ के, कहना मैं एक अनजाना राही रस्ते में धोखा खा गया, मैं एक अनजाना राही रस्ते में धोखा खा गया, बंदा तो मेहमान है, प्यारी तुझको जान है, अरे बंदा तो मेहमान है, आके मुझसे बात कर, तू मुझ पे ना घात कर, मैं तुमसे कुछ कम नहीं, इन बातों में दम नहीं, नाच के गाके देख ले, सामने आके देख ले, नाच के गाके देख ले, सामने आके देख ले, के लिए अभी तक उनकी गुलामी कर रही हूं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ला ये तकती मुझे दे दो, खतरनाक चीज है, इसे मैं अपने पास रखता हूं। तुम्हें होटल छोड़कर मैं प्रोफेसर दयाल की भतीजी से इसका दूसरा हिस्सा लाने की कोशिश करता हूं। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानती हूं, वो आसानी से दूसरा टुकड़ा नहीं देगी। पहला कौन सा आसानी से मिल गया, ये मिल गया है तो दूसरा भी मिल जाएगा। लो तुम्हारा होटल आ गया। क्या हुआ? इसमें डरने की क्या बात है? अपने ही नहीं, तुम्हारी, अपना ख्याल रखना। तुम कहती हो तो वो था कौन, उसे चाबी मिली कैसे? मैंने कुछ ठीक से देखा,
लेकिन उसे टैबलेट का पता कैसे चला? कुछ समझ नहीं। हम लोगों में से कौन हरामजादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है? हम लोगों में से वो कौन सा आदमी हो सकता है जिसे मरने का इतना शौक हो? उस्मान, सब लोगों को यहां इकट्ठा करो। हेलो जयसिंह। चंदर, तुम इतने में कहां गायब थे? क्या आपको अनिता ने कुछ नहीं बताया? अनिता ने क्या नहीं बताया? यही कि मैं जख्मी हो गया था, बॉम्बे हॉस्पिटल में था, वहीं से आ रहा। अनिता के सिवा नीचे सब लोग मौजूद। अनिता गायब है? अच्छा, तो ये बात है। लगता है आपको कहीं देखा है। आप प्रोफेसर दयाल की? मैं उनकी भतीजी। और मारो तो पतो तो आप जानो। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंकल दयाल के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। हर खूनी यही कहता है कि वो बेगुनाह है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये चेची, ये देखिए तो। दिखाया पाया? अबे हट टकले, खबरदार। ये भी तो दिखा दे पाया। अच्छा जी, ये वो तख्ती है दयाल साहब वाली। अंकल का खून तुमने नहीं किया तो ये तख्ती तुम्हारे हाथ में कैसे? जी ये पुलिस को फोन तो कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो होटल गोलमर फोन करके अनिता से पूछ लीजिए। अनिता माथुर। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन, वही आशा है, अनिता से बात करना चाहता हूं। आशा? कहीं दयाल की भतीजी तो नहीं? अगर वही है वो घुमा फिरा कर तख्ती के दूसरे टुकड़े के बारे में पूछ। लेकिन उसे ये कैसे मालूम हुआ मैं यहां हूं? वक्त जाया मत करो, जल्दी करो। हेलो, मैं अनिता बोल रही। अरे आशा, तुम बीकानेर से कब आई? आज आई। अंकल की डेथ का मुझे बहुत अफसोस हुआ। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में अनिता, लेकिन हमने उनके खूनी को पकड़ लिया है। कौन है वो? राजकुमार नाम का कोई लड़का है और तख्ती भी उसके पास है। ये कह रहा है कि तख्ती इसने तुम्हारे साथ मिलकर उड़ाई है। नहीं नहीं, मैं किसी राजकुमार को नहीं जानती, मैं किसी के साथ नहीं थी। ये तो मैं पहले ही समझ गई थी कि ये झूठ बोलता है। ये क्या मजाक है अनिता? सच सच बता दो वरना ये पागल लड़की मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। मैं कुछ जानती ही नहीं तो बताऊं क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये बात कमीनी, आ गई ना अपनी पुरानी हरकतों पर। अनिता, इसे तो मैं पुलिस के हवाले कर रही हूँ। ये बताओ, तुमसे मुलाकात कैसे हो सकती है? पूछो, बोल कहां से रही? आशा, तुम इस वक्त बोल कहां से रही हो? इसी के घर से, 65 कालका जी। अभी आ जाओ ना। इस वक्त नहीं, मैं 2-1 दिन में मिलूंगी। ओफो, कल तो मैं बीकानेर वापस चली जाऊंगी। तख्ती, तख्ती। अरे आशा, तुमने तख्ती का दूसरा टुकड़ा तो संभाल के रखा है ना? हाँ, वो बीकानेर में सेफ है। अच्छा आशा, मैं फिर तुमको मिलने की कोशिश करूंगी। बाय। मैं उसे नहीं जानती, मैं बच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। किसने फोन किया था? मैंने किया था, ये रहा फोन। आपने किसी सबूत की बात की थी ना? मुझे क्या? नेचुरली। ठीक है, कल आप लोगों को पुलिस स्टेशन में आके अपना स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, ले चलो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर। जाओ। तीत हो गई, इबके हो गो। चलो बैठो अंदर। चलो जी। तो ये है जिसने हमें इतना परेशान किया। पार्टी में अनिता के साथ तुम ही थे ना? अनिता? कौन अनिता? मैं किसी अनिता के साथ नहीं था। डाका, ये बेचारा तो नहीं था अनिता के साथ? चल तुम्हें ठीक करता। दिमाग पर कुछ जोर पड़ा? अब याद आया कि पार्टी में किस अनिता के साथ थे? आपको तो मालूम है मैं आपके साथ नहीं था, फिर आप कहती क्यों नहीं?
इनकी तरफ से मैं कह देता हूं। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मेरी जान बचाने के लिए झूठा बोलिएगा। नहीं, बंद करो ये मालती। मैं सिर्फ 500 रुपए देकर आते मिलाई थी। मैं किसी भी तरह की टैबलेट लेना चाहती थी ताकि तुमसे अपनी दादी की जिंदगी खरीद सकूं। साले लड़की पे हाथ उठाता है। अगर अपने बाप और इसकी जान बचाना चाहती हो तो फौरन आशा के पास बीकानेर चली जाओ और किसी तरह भी टेबलेट का दूसरा हिस्सा हासिल करो। लेकिन तुम इन मारोगे तो नहीं? हम कीड़े मकौड़ों को नहीं मारते, लेकिन अगर टेबलेट का दूसरा हिस्सा नहीं मिला तो तुम मेरी फिक्र मत करो अनीता, सिर्फ अपने पिताजी का ख्याल करो और इनकी बातें मान लो। तुम्हारा सामान होटल से मंगवा लिया है, तुम फौरन आशा के पास बीकानेर जा रही हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमारे पास 2 कुर्बानी के बकरे हैं। तो तुम कुछ नहीं बोलो? ये देख रहे हो, ये तुमसे सब कुछ बुलवा लेते और उसके बाद तुम वही करोगे जो हम चाहें। अब बोलो कौन हो तुम? राजकुमार। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? अपने बाप के खूनी की तलाश में। कौन था तुम्हारा बाप? जिसे तुम में से किसी ने बंबई के एक अस्पताल में मार डाला। ओ, तो तुम शांति दास के बेटे हो। घबराओ नहीं, तुम्हें भी उसके पास भेजे। हाँ गाड़ी आ गई। ओके, जयसिंह साहब तो चले गए, कल सुबह सोनल मेन साहब भी जाएंगे। तुम गाड़ी ले आना, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। Thank you.
क्यों आए हो मेरे पीछे? पिताजी के कातिल का पता करने। मुझे क्या मालूम? अनीता को नहीं मालूम, उस्मान को नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, तो फिर किसे मालूम है? मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त तुम यहाँ से नहीं चले गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम, छोड़ दो मुझे। तुम झूठ बोलती हो। तुम्हीं लोगों में से किसी ने मेरे पिताजी का खून किया और कल मुझे भी मारने की कोशिश की थी। अगर तुम्हें मारना होता तो उस दिन इंजेक्शन की दवा न बदल दी। अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हारा दिमाग बेकार हो गया और तुम यहाँ जिंदा नजर नहीं। ये झूठ है, धोखा है। नहीं ठहरो, फादर को आने दो। शरा, तुमने कबीले की लड़की पर हाथ खड़े की चुरा की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वाह, बड़े सुरमा हो जो एक निहत्ते आदमी को बंदूकों से घेर के सजा देने की धमकी देते हो। हिम्मत है तो केले सामने आओ। तुम बादल का मुकाबला करोगे? अरे जो बिजलियों की परवाह नहीं करते वो बादल से क्या जानेंगे। साथियों, इस बेवकूफ शहरी ने बादल को नहीं बल्कि इस कबीले की आन को ललकारा है। इसका फैसला अंजर और आज से होगा। इंतजार हो। ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर ये है कि लड़के मरना चाहो तो लड़के मरो, चल के मरना चाहो तो चल के मरो। यानी कि मरना जरूरी है? चलो फिर तो लड़के ही मर लेते हैं। कुछ नहीं, जरा सी खरोच लगी है। रौमत, दो चार दिन में खा पी के ठीक हो जाओगे। चलो आज की जीत का जश्न मनाया जाए। मगर जीत हुई किसकी? मेरे मेहमान की। Thank you.
खजाना, खजाने की चाबी मेरे पास है, खजाने की चाबी मेरे पास है, तो मुझे साथी चुन ले, हो कानों में सुन ले ये बात खास है, खजाने की चाबी मेरे पास है, खजाने की चाबी मेरे पास है। बदले की जबान को अच्छी तरह समझते हैं राज, और उन लोगों की इज्जत करते हैं जो बदला लेने की कसम खाते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि सोनल तुम्हारी जान बचाने में कामयाब हुई। मैं खुद इनका आभारी हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि ये वहां उन लोगों में क्या कर रही है। हमारे कबीले में मरने से पहले हमारे बुजुर्ग ये बताना अपना फर्ज समझते हैं, इस रेगिस्तान में कहीं एक अनमोल खजाना छिपा है, इसकी तलाश करना हमारी जिंदगी का पहला मकसद है। राज, उसी खजाने का नक्शा हासिल करने के लिए मैंने सोनल को जयसिंह के कैंप में भेजा था। वही मनुष खजाना जिसकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई। नहीं राज, नहीं, खजाना मनुष नहीं, वो हाथ बुरे है जिनमें इस खजाने का नक्शा पड़ गया। कहीं मुझे वो खजाना मिल जाए तो मैं रेगिस्तान को सड़क में बदल दू। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? सोनल का काम अधूरा रह गया है राज, अब इसे हमारा दुश्मन राका पहचान गया है। आखिर राका तुम्हारा झगड़ा क्या है? वही जो झूठ और सच, जुल्म और इंसाफ के बीच हुआ करता है। मैं समझा नहीं। सरदार हुकूमत का कबीला रेगिस्तान में सबसे पुराना माना जाता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक रात की बात है जब उस कबीले में जश्न चल रहा था, ¶¶
कहा तुम? हाँ हुकूमत, मैं। यहाँ किस लिए आया? हुकूमत, तुम्हारा कबीला सबसे पुराना माना जाता है और आजकल ये बात आम हो रही है कि तुम्हें उस खजाने का पता मिल गया है जो सदियों से रेगिस्तान में था। तुम्हारी खबर गलत है राका, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और अगर मुझे मालूम भी हुआ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खजाना तुम्हारा या मेरा नहीं बल्कि सब कबीलों का। नहीं हुकूमत, वो खजाना उसी का होगा जो उसे ढूंढ लेगा। जो कुछ भी तुम्हें मालूम है बता दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि राका को लड़कियां बहुत पसंद है, और ये लड़की तो राका। बकवास बंद करो हुकूमत। लड़की को छोड़ दे राका। मत आओ बादल, ये झगड़ा तुम्हारा और हमारा नहीं। हमारा तुम्हारा झगड़ा तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब तुमने सरदार हुकुम सिंह जैसे शरीफ आदमी का बंदूक खाने और उसके कबीले की इज्जत पर हाथ उठाया। राका, लड़की को छोड़ दे। मैं कहता हूं लड़की को छोड़ दे। बादल, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, समझे? भूलने को कौन कहता है, लेकिन राका एक बात याद रख, उस खजाने को अकेले पाने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दे, वो खजाना सबका है। अगर वो खजाना उसी का होगा जो उसे हासिल करेगा, और मैं उसे हासिल करके दिखाऊंगा। अगर तू जिंदा रहा तब ना। नहीं बादल, मेरे कबीले की जमीन पर तू नहीं बहेगा, इसे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर हम अपने दुश्मन को बख्शना जानते हैं तो वक्त आने पर हम उसके टुकड़े टुकड़े करना भी जानते हैं। आज से इस रेगिस्तान में रहने वाला हर मनपसंद आदमी तेरा और तेरे कबीले का दुश्मन है। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने पालतू कुत्तों को लेकर दफा हो जाओ यहां से। जा। बादल, होशियार रहना, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। आज से ये तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन बन जाएगा। उस दिन के बाद हमारी दुश्मनी बढ़ती गई। उसने कई बार मुझे और मेरे कबीले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहा। मैं जानबूझकर सोनल को मौत के मुंह में नहीं भेज सकता, लेकिन कोशिश करने में क्या नुकसान है? सोनल, कोशिश और आत्महत्या में बहुत फर्क है। एक मिनट, तख्ती का दूसरा हिस्सा आशा के पास, हम अनीता की मदद से उसे हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वो वहां गई भी। तो फिर हम भी कितना नहीं चले, चल चले। ये राशन फैक्ट्री में ले जा रही हूँ, क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, बाकी बातें फिर कभी बताऊंगा। ओहो, चोर, बदमाश, कमीनी, काहे ने बिगड़ राशा जी, क्यों हो? फैक्ट्री अनिता ले गई है। अनिता? हाँ, ये आपका माल है, हमारी तो रोकना डूब गई। करोड़ रुपए की फैक्ट्री पीछे कंपनी को कागज। अरे ऋषि जी, आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए? मैं अनिता से मिलने आया। उसको तो उसको मिलने को है। वो चली गई यहाँ से। कहाँ? अगर मालूम होता तो इस वक्त मैं भी वहीं। उस कमीनी को शर्म नहीं आई अपनी बचपन की सहेली के घर में चोरी करती हुई? चोरी? क्या वो तख्ती का आटा टुकड़ा लेगी? ले गई। तुम्हें कैसे मालूम? ये मैं फिर कभी बताऊंगा, आ जरा मैं जल्दी में। अरे अरे आप आशा जी, मारो क्यों हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम्हारी समझ में आ गयो क्या? तख्ती को नहीं, खजानों को नहीं। मालिक, मालिक, अनिता दूसरी तख्ती ले आई। राका,
आज और मुद्दत के बाद हमें कामयाबी हासिल हुई है। अमिताभ से बात हो मिलने की इजाजत चाहते हैं? क्यों नहीं उसने हमारा काम किया है, हम अपना वायदा पूरा करेंगे। जाओ बेटी को बाप से मिला दो। सुनो जरा, इस खुशी के मौके पर एक जश्न का इंतजाम करो ताकि बीकानेर छोड़ने से पहले हम अपनी खुशी अपने साथियों के साथ बांट सके। तो आज के जश्न में अनिता नाचेगी। नाचा तुम्हें अनिता के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। मैं क्यों रू जा सिंह बेटी, इन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं डैडी, मैं तो ठीक हूँ। मगर रस्सी की दोनों टुकड़े इन लोगों को मिल चुके हैं, ऐसी पढ़कर इन्हें सुना दीजिए ताकि इस दर्द से छुटकारा मिले। छुटकारा नहीं बेटी, रस्सी को न पढ़ने तक ही हम जिंदा हैं। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं उन्हें किसी न किसी तरह से टालता रहूंगा। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम खतरे से निकल चुकी हो, एक बार तुम इनके हाथों से निकल जाओ फिर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुका। लेकिन मैं आपको यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे ये मेरी वसीयत क्यों ना। वसीयत की इतनी जल्दी भी क्या, कई तख्ती पढ़ने की बात वो तो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी। सीधी उंगली खीना निकला तो टेढ़ी उंगली निकालना पड़ेगा। मत भूलो तो तुम भी हमारे कब्जे में हो और तुम्हारी खूबसूरत बेटी। नहीं, तुम भी जुल्म नहीं कर सकते। अभी तुमने मेरा जुल्म देखा है कहां माथुर? काका, अनिता को ले चलो। अनिता को लेकर मैं तख्ती पढ़ता हूँ। ठीक है काका, अभी बेटी को प्राप्त पास रहने दो। चलो बच्ची। चलिए मारे, महफिल सज चुकी है और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सर इंतजाम ठीक है ना? हंगामा है हंगामा। एक बहुत बड़ा जादूगर बुलाया। जादूगर साहेबान मेहरबान के दादा, ये तो आपकी जरा नवाजी है कि मुझ जैसे नाचीज जादूगर को बुलाकर आपने अपनी इज्जत बख्शी, वरना इस रेगिस्तान में इतने बड़े किले में इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना कैसे नसीब होता है। हाँ तो मेहरबान, मैं कह रहा था कि मैं खुद अपनी तारीफ क्या करूं। तारीफ तो उस खुदा की जिसने मुझे बनाया और आप लोगों से मिलाया, और इस मुलाकात का नतीजा आप सब तो देखेंगे ही, ये सब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि ये शाम इतनी रंगीन है और जादूगर हम एक नहीं दो नहीं तीन है। तबीयत के बड़े रंगीन है, रंगीन है हम तबीयत के बड़े रंगीन है। एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है। एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है। ओ मेरे भाई बोल मेरे भाई, सुन मेरे भाई बोल मेरे भाई। ओ मेरे भाई बोल मेरे भाई, अरे सुन मेरे भाई बोल मेरे भाई। हम तबीयत के बड़े रंगीन है, रंगीन है हम तबीयत के बड़े रंगीन है। एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है। एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है। सुनकर आपकी तारीफ, सुनकर आपकी तारीफ, तारीफ
हम सब बुलाए हैं तशरीफ तशरीफ थोड़ी देर के लिए देंगे आपको तकलीफ थोड़ी देर के लिए देंगे आपको तकलीफ आपसे मिलने के ओ मिलने के आपसे मिलने के हम शौकीन हैं शौकीन हैं शौकीन हैं एक नहीं दो नहीं हम दो नहीं हम तीन हैं हम तीनों का चौथा यार आने वाला है सरकार हम तीनों का चौथा यार आने वाला है सरकार फिर होगा ये खेल शुरू बस थोड़ा सा थोड़ा सा बस थोड़ा सा इंतजार आदमी हम काबिले यकीन है यकीन है यकीन है एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है एक नहीं हम दो नहीं हम तीन है सबके हाथों में है जान ऐसी रात ऐसी शाम सबके हाथों में है जान जिस महफिल में हम आए भाई हम आए जिस महफिल में हम आए उसमें गम का क्या है काम किस लिए फिर आप यूं गमगीन है गमगीन है गमगीन है एक नहीं दो नहीं हम तीन है हम दो नहीं हम तीन है वेल प्रोफेसर कोशिश तो पूरी कर रहा हूं लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं वो लोग जयसिंह के लिए काम करते हैं वो लेकिन जैसे कमजोर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते काम पूरा हुआ कि नहीं नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये काम इतना आसान नहीं कि प्रोफेसर काम अगर आसान होता तो तुम जैसे आदमी को मुश्किल में क्यों डालता कहां तक पहुंचे हो शुरू की चार लाइनें पढ़ ली सिर्फ चार लाइनें क्या लिखा लिखा है हम जो जाते हुए हर सांस के साथ मर रहे हैं उस पथरीले देवता के साये में बैठे हैं जो क्षितिज की तरफ देख रहा है रेगिस्तान के पार इधर से लोग हमारे लिए पानी लाएंगे पानी जिसकी एक बूंद हमारे लिए हजार बरस की उम्र के बराबर रुक करके आगे बढ़ो अभी यहीं तक पहुंचा हूं इन कामों में देर लगती है लगती होगी लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है वहां बंबई में हमारे सारे साथी पकड़े जा चुके हैं हमें कल सुबह यहां चले जाना है उस वक्त तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए समझे सुबह तक इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता इस काम में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे 7-8 दिन नहीं प्रोफेसर 7-8 घंटे काका की आंखें देख रहे हो इसे अनीता बहुत पसंद है क्या हाँ मेरे समझाने पर रुका है वरना अब तक तुम आदमी नहीं जानवर हो जानवर नहीं आओ चाहता मुझे
लड़के को दूसरे कमरे में ले चलो, अभी आता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मेरी बच्ची को छोड़ दो। ठीक है, तो चुपचाप बैठ कर काम करो। अगर सुबह तक काम खत्म हो गया तो अनीता बच जाएगी, वरना मैं राका को जानता हूँ, उसका प्यार बड़ा खतरनाक है। मैं कई लड़कियों की लाशें देख चुका हूँ। क्या तुम समझते हो कोई बाप इन हालात में कुछ काम कर सकता है? मैं कुछ नहीं जानता, बदालों पर भेंट तो चढ़ानी पड़ती है। अनीता जैसी 10 लड़कियों की आबरू की भेंट भी चढ़ाई जाए तो भी सौदा सस्ता है। भगवान से डरो जय सिंह, भगवान से डरो। कैसा भगवान? जमीन पर तो नहीं, शायद आसमान पर होगा। बका रुक जाओ राका। शेर के सामने हिरनी और राका के सामने लड़की नहीं लाते जैसे। राका पागल मत बोलो, मुझे बाहर कोई गड़बड़ नजर आ रही। लेकिन मैं तो लड़की के साथ अंदर हूं, बाहर नहीं। राका याद रखो, अगर लड़की को कुछ भी हुआ तो बाप और काम नहीं करेगा। काम तो उसका बाप भी करेगा। क्यों करेगा ना? तुझे शैतान से बचाओ, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो। राका शेर को शिकार करते हुए नहीं छेड़ते जाते। अनीता दरवाजा खोलो, जय सिंह दरवाजा खोलो। अरे कितनी खूबसूरत हो, मेरे करीब लड़वार लड़वा। राका को आसानी से काबू आने वाली लड़कियां अच्छी ही नहीं लगती। दरवाजा खोलो जय सिंह, दरवाजा खोलो। राका बादल आ गया। तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हो ना? किया कराया मिट्टी में मिल गया। इस तख्ती के टूटने के साथ साथ वो अनमोल खजाना हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। तो क्या हुआ प्रोफेसर साहब, दुनिया का कोई भी खजाना आपको जान से कीमती नहीं। ये सब तो दिल बहलाने की बातें। इतनी भागदौड़, इतनी मुसीबतें उठाने से मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। निराश क्यों होते हैं अंकल? अरे आंसू अनिता, तुमने मुझे बताया होता कि अंकल की जान खतरे में है तो मैं ये तख्ती तुम्हें यूं ही न दे देती। आशा, लेकिन अब तो ये टूट कर बेकार हो चुकी। अरे बाया, करोड़ी मल कच्ची गोली नहीं खेल लियो है। करोड़ों की जोखम थी तो फोटो खींच के काबू में कर ली और टोपी में धर ली। मुझे दिखाओ ये फोटो। देखने भी तो देख लो बाया, पर मारी एक फर्क है। खजानों में हमनो हिस्सा चाहिए। हिस्सा? हिस्सा किस बात का? ये खजाना तो गवर्नमेंट का है। बोलो जो सरकार बीच में कहां पे अंटप थी, हजारों की रोकड़ और अनमोल टाइम हरो बर्बाद हो गयो और भागीदारी सरकार की। एक पते की बात सुन आया, कान खोल के सुन लो। चौन्नी की भागीदारी मारी, बाकी सरकार की और भारी। और एक बात है, अगर ऐसी फोटो जयसिंह के पास हुई
तो सब के सब माथा पीट के रोएंगे। हाँ। मेरे बगैर फोटो क्या करेगा? मैंने अनिता की जान बचाने के लिए इस तख्ती का सारा ट्रांसलेशन कर दिया था और इसके सारे कागजात वहीं कैसिंग के पास रह गए। राका इस रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, ये ठीक कहता है। इससे पहले कि जयसिंह और राका को कदम उठाए, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लाओ फोटो। चलो सब तैयारियां कर देते हैं। क्या बात है राज? कुछ तुम लोग तो खजाना तलाश करने आए, समझो कि मिल गया। लेकिन मैं तो अपने पिताजी के कातिल को तलाश कर रहा हूं, उसका क्या? राज, दिल छोटा मत करो। जयसिंह और उसके आदमी खजाने की तलाश में जरूर आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिता का कातिल जरूर उन्हीं में से कोई है। दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला ये रास्ता सीधा इस मूर्ति के पास जाता है जहां हम सब लोग जिंदगी और मौत का इंतजार कर रहे हैं।
ढांक हो जाऊं। जाओ सो जाओ। इनकी तकदीर का फैसला सुबह के सूरज के साथ होगा। बाकी के लोग कहां गए? लगता है तूफान में बिछड़ गए। तूफान फिर से आने वाला है, अब यह रुकना ठीक नहीं। चलो जल्दी चले, चलो हाँ चलो आओ। बादल वो देखो, लगता है अपनी मंजिल यही। अरे ये तो कोई पत्थर की मूर्ति लगे, खजानो कट है खजानो। मूर्ति के नीचे एक रास्ता नजर आ रहा है, शायद उसी के अंदर कुछ हो। खजानो आ गयो, चलो चलो खजानो आ गयो। जो मर गए हैं उनसे क्या डर है? वो भी है देखो। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये सब लोग यहाँ पहुंचे कैसे? ये उन लोगों के ढांचे हैं जो पानी के लिए यहाँ तक आ पहुंचे। पानी तो नहीं आया, बेचारों की मौत आ गई। और वो खजाना, खजाना कहाँ है? अजी यही तो मैं पूछूं, खजाना क्या है? होना तो यही चाहिए। हाँ
जाइए देखो काले माया। यहाँ तो हड्डियों के पिंजरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वो देखो खिजानो 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 माया खिजानो कटे कटे होती खिजानो पर है क्या माया होना तो यही चाहिए खिजानो 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 दे पत्थर। पत्थर तो यहाँ पर चुने हुए लगते हैं। ए भैया देख जानो नहीं आज नहीं नहीं बातों नहीं इन्हें मत ये साथ यहाँ पे इन्हें मारना अच्छा नहीं मैं चुप नहीं हूँ। हमारा मतलब है ये खजाना यही छोड़ दे। हाँ। तो हमें मिली क्या हम लोग कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं ये सांप अपने आप चल जाएंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। चलो चलो रुक जाओ वरना पूरी सिरे के पार हो जाएगी। प्रोफेसर यहां तक पहुंचाने का शुक्रिया। अब बताओ किधर है खजाना? मैं पूछता हूं कहां है खजाना? खजाना हो तो आपको बताए ना, यहां तो सिर्फ यही खजाना है। अगर आपको चाहिए तो उसे ले जाइए। और वो लक्षा? वो लक्षा लगता है सिपाहियों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठा नक्शा बनाया ताकि लोग खजाने के लालच में उसे ढूंढते हुए यहाँ आए और उनकी जान बच जाए। और क्या हाथ में चक्कर पड़ गया मारो तो पीछे बर्बाद हो गया। पीछे बर्बाद हो गया खजाना यहाँ नहीं है तो फिर ये क्या? ये भाई चोरू का है। खूनी मैं तुझे छोड़ दो मुझे। मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने पिता के घातक को नहीं छोड़ूंगा। सिंह को मेरे हाथ से नहीं बच सकता नहीं बच सकता। तूने मुझे पहचान कर अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरदार अगर तरह भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अनीता को थोड़ी बार दूंगा। बांध के रखो इस हरामजादे को। हाँ तो सेठ टकला मल जी यहाँ खजाना नहीं है। नहीं है बहुत बड़ो खजानो है करोड़ों को अरबों को उसमें बात लेंगे लड़ने की जरूरत ना है। हाँ आप ठीक कहते हैं सेठ जी। राका एक काम करो इन सबको बाहर ले जाओ और कोई बात नहीं। तुम ठीक कहते हो जैसी सबको मगर लड़कियों को छोड़कर। पाया जयसिंह मैंने इसको भी चाहिए जान चाहिए जान। मैं थारी काली गौ हूं। नागराज जय नागराज। अरे पाया यू के कर दियो जिंदो काट दियो अब हमारा भी अड्डे का ढांचा बन देगो। रास्ता साफ करने का इंतजाम करो। जय सिंह पत्थर बहादुर मेरे आदमी इतना काम नहीं कर सकते। हमारे आदमी नहीं बल्कि इन सबसे काम लो और जो इनकार करे उसे गोली का निशाना बना दिया जाएगा। लेकिन ये लड़कियां इतना काम नहीं कर सकेंगी। चुप बैठे काम तुम भी करोगे और लड़कियां भी करेगी। मेरे पास ये डायनामिक स्टिक है इससे पत्थरों को उड़ाकर रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन ये डायनामाइट जलाएगा कौन? इसका फ्यूज इतना छोटा है ये जलाने वाला खुद ही खत्म हो जाएगा। ए, इसे तुम जलाओगे? नहीं, नहीं। ये दूसरों के लिए अपनी जान देगा अनीता इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। अगर मेरी कुर्बानी देने से तुम सब लोगों की जान बच सकती है तो जला।
ये लो और खुद अपने हाथों से अपनी चिता को आग लगाओ। बंदूकें फेंको वरना तुम सबको साथ में लेके मरूंगा। जैसे मैं कहता हूं बंदूकें फेंको। मुझे कोई नहीं बचा सकता जय सिंह, कोई नहीं। सोनू बाकी सब लोग अभी तक अंदर हैं। चलो नहीं राजू, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। जानते हो इस ज्वालामुखी में मेरा दिल कहता है कि वो लोग भी जरूर कहीं ना कहीं बच गए होंगे। हाँ वो देखो, इस ज्वालामुखी को ठंडा हो जाने दो, फिर मैं इस खजाने को निकालकर इस रेगिस्तान को चमन में बदल दूंगा।